Good morning and welcome back to Fast Step Educare. So today I'm going to teach you the science of the class 6 in this chapter. In this class we have to learn so many things. The first topic is where does it come from, and next chapter is the component of the food. So सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज where does it come from. देखते हैं सबसे पहला चैप्टर को. चलिए तो पहला चैप्टर में हम देख रहे हैं कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड के बारे में. तो सबसे पहला तो फूड के बारे में बात करते हैं. तो देखते हैं कि फूड क्या होता है. अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ फूड वेराइटी के बारे में कि फूड क्या होते हैं. अलग अलग तरह के होते हैं. अलग अलग तरह के फूड मतलब क्या, कि जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि हमने क्या खाया और हमारे दोस्त ने क्या खाया. तो अगर हम बात करते हैं कि हमने आज अगर चावल दाल सब्जी इस तरीके का खाया. अगर मेरा दोस्त साउथ इंडिया में है तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर इडली और ये डोसा ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे खाया करते हैं. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेस टू प्लेस क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के खाना खाया जा रहा है, ठीक है. आगे देखते हैं. अब खाना तो खाया जाता है, लेकिन खाना खाने के पहले उसे बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट. अब इंग्रेडिएंट नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझा दूंगा आपको. जैसे कि अगर आप चावल बना रहे हो, क्या बना रहे हो, चावल बना रहे हो. तो चावल बनाने के लिए पहले आपको रॉ राइस चाहिए, उसके बाद वाटर चाहिए, उसके बाद उसे बॉइल करते हैं तो चावल तैयार होते हैं, ठीक है. वहीं पर अगर बात करें पल्सेस का बात करें तो पल्सेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, दाल चाहिए यानी पल्सेस. फिर उसके बाद उसमें क्या चाहिए आपको, साल्ट चाहिए, हल्दी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ताकि आप प्रिपेयर कर सकें पल्सेस. अब आगे बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो आपने यूज़ करा, नमक, हल्दी, पल्सेस, ये सारे क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट, जो कि यहाँ पे आपको इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है. आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ टेबल दिया हुआ 1.2 टेबल में देख दिया गया है क्या, फूड आइटम और इंग्रेडिएंट. तो फूड आइटम में हम अगर बात करते हैं रोटी का, तो रोटी क्या चीज़ का बना होता है, आटा और वाटर. यानी आटा को पहले क्या किया जाता है, गुना जाता है वाटर के हेल्प से. तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, आटा और वाटर यूज़ किया, ठीक है. आगे हम बात करते हैं दाल. दाल के लिए मैंने पहले ही बात किया कि दाल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ऑयल या घी जो भी हो उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. तो हमारा क्या होता है, पल्सेस तैयार होती है, यानी दाल तैयार होता है. आगे बात करते हैं हम लोग, अगर ये सारे फूड्स हैं, चलिए ठीक है चावल है दाल है, तो ये सारे फूड्स, अब उसमें भी एक मटेरियल्स इंग्रेडिएंट था घी, ऑयल. तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं हम अपने फूड में. तो फूड मटेरियल यानी कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. तो फूड मटेरियल जो है कहाँ से आते हैं और उसका सोर्सेज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. तो मेनली जो हमारे फूड का जो सोर्सेज होते हैं, दो सोर्स है, एक तो होता है प्लांट और दूसरा क्या है, एनिमल. प्लांट से आपको मिल जाता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको दाल, चावल, ये सारी चीज़ें आपको प्लांट से मिल जाता है. फिर अगर बात करें हम मिल्क वगैरह का, मिल्क हो गया, घी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, तो ये सारे कहाँ से मिल जाते हैं, एनिमल से, मीट, एग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है, इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट वी लिस्टेड इन द टेबल 1.2. आगे हम लोग बात करते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द राइस और व्हीट. यू मे हैव सीन द पैडी और व्हीट फील्ड विद द रोज एंड द रोज ऑफ द plants which give us the these grains. अब बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे पैडी का और वीट का फील्ड देखा है, जहाँ पे क्या होता है कतार में लगे होते हैं ये सारी चीज़ें. अब देखते हैं कि ये सारे ग्रेन्स मिलता कहाँ से, कौन देता है हमें, तो उसके बारे में बात करते हैं. यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके का फील्ड में क्या है, रोवाई रोज जो भी क्रॉप्स लगे हुए हैं, ठीक है, क्रॉप्स लगे हुए. अब इसमें बात करते हैं कि आगे और भी इस तरीके से अनाज क्या होता है, ग्रो करता है, उसके बाद ये आपका जो भी होते हैं फार्मर आपको मार्केट तक पहुंचाकर आपको फूड प्रोवाइड करता है. वहीं पे बात करते हैं, अब बात करने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा टेबल को देखना.
ताकि हम और भी चीजों को समझ सकें। तो यहाँ पे बात किया गया है इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड आइटम एंड देयर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे इडली है, इडली को तैयार किया गया है। इडली को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? राइस चाहिए, उड़द का दाल चाहिए, साल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। तो अब बात करते हैं कि राइस कहाँ से मिला है हमें, प्लांट से मिला। कहाँ से मिला है? प्लांट से मिला है। आगे बात करते हैं कि उड़द का दाल, उड़द का दाल कहाँ से मिला है आपका? वो भी आपका प्लांट से मिला है। साल्ट ये सारे आपको समुद्र वगैरह से जो भी होता है इस तरीके से मिल गया। आगे बात करते हैं वाटर, तो वाटर आपका जमीन वगैरह से निकल गया। ये सारी चीजें तो अलग अलग सोर्सेस हैं। अब आगे बात करते हैं चिकन कड़ी। इस तरीके से आप सारे फील्ड को ये देख लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड द फ्रॉम द एक्टिविटी, जो भी हमने ऊपर किया उसके से हम लोग को समझ में आया कि फूड जो होता है हमें अलग अलग जगह से मिलता है। कुछ प्लांट से मिलते हैं तो कुछ और कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। यानी सम फूड प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाई द प्लांट्स एंड सम फूड प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाई द एनिमल्स। जैसे हम बात करते हैं मिल्क, मीट, ये एग, ये सारी चीजें कहाँ से मिल जा रहा है हमें? एनिमल से मिल जा रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्लांट से जो फूड मिलता है उसमें प्लांट का कुछ पार्ट यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्रेन्स, ग्रेन्स क्या है? एक तरह का सीड है। अगर बात करते हैं वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में जैसे ब्रिंजल लेते हैं, तो ब्रिंजल क्या है? एक तरह का फ्रूट है। अगर हम वहीं पे यूज करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स का फ्लावर यूज करते हैं पतौड़ी बनाने के लिए, ये सारी चीजें। आगे और भी बात करते हैं तो जैसे गाजर खाते हैं, गाजर खाते हैं तो वो क्या होता है? एक तरह का रूट है। स्वीट पोटैटो एक तरह का क्या है? रूट है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं फूड के जैसा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे थोड़ा दिखाया गया है पिक्चर में, आप देख पा रहे हैं कि क्या है? प्लांट्स, प्लांट्स का फ्लावर हो गया, वर्ड्स हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, और भी हम बात करते हैं रूट्स हो गया। तो हम अलग अलग तरह के चीजों को हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं फॉर फूड। अब यहाँ पे हम एक वर्ड को और जान लें कि जो चीजें हम खाते हैं वो पार्ट को हम कहते हैं इडेबल पार्ट, ठीक है। प्लांट्स के जिस पार्ट को हम खाते हैं वो क्या कहलाता है? इडेबल पार्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो इडेबल पार्ट के बारे में मैंने बात कर लिया। अब आगे बात करते हैं, आगे हम यहाँ पे थोड़ा सा टेबल देख लें। प्लांट पार्ट्स है एज ए फ्रूट, तो ब्रिंजल बात करते हैं, ये क्या है? एक तरह का फ्रूट है। कह सकते हैं चिल्ली यानी मिर्च जो हम खाते हैं, कच्चा मिर्च, वो क्या है? एक तरह का फ्रूट है। वाइल्ड फ्रॉम द ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ये सारी चीजें क्या है? सीड से मिलता है जो कि वाइल्ड के तौर पे है। इसी तरीके से आगे आप क्या करोगे, कोई भी आप प्रोडक्ट जो बनाना चाहते हो घर में, जैसे आप जो भी बनाते हो इडली बनाते हो और भी बहुत सारी चीजें बनाते हो, तो उसके लिए आप इंग्रेडिएंट लिखोगे और उसका क्या करोगे? प्लांट पार्ट यूज करोगे, उसके बारे में लिखोगे। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये सारे क्या है? ग्रेन्स है। अब ग्रेन्स में क्या है? कुछ स्प्राउटेड ग्रेन्स है। अब यहाँ पे बात आता है कि स्प्राउटेड क्या होता है। तो स्प्राउटेड ग्रेन वैसे ग्रेन को कहते हैं जो क्या करते हैं, वेट करने के बाद उसको क्या करें, वेट मतलब भिगोने के बाद, भिगोने के बाद उसको भीगा हुआ कपड़ा में बांध कर रखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसमें वाइट वाइट कुछ निकलता है, ठीक है। वाइट वाइट जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? स्प्राउट कहते हैं। और उस सीड को क्या कहते हैं? स्प्राउटेड सीड कहते हैं, ठीक है। आगे और भी बात करते हैं, हनीज के, तो हनी, हनी क्या होता है? एक तरह का नेक्टर होता है। क्या होता है? नेक्टर। नेक्टर कहाँ से लिया जाता है? तो फ्लावर से लिया जाता है। कहाँ से? तो फ्लावर से, जो कि हनी, जो हनी जो कलेक्ट किया जाता है, यानी हनी जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है? एक्चुअली में वो फ्लावर के जूस यानी नेक्टर से बना हुआ होता है, जो कि बीज के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, व्हाट डू एनिमल ईट, अब एनिमल क्या खाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है जैसे अलग अलग एनिमल्स है, जैसे कैट है, डॉग है, बफेलो है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सारे क्या होते हैं? गोट। अब ये सारे चीजें कुछ ना कुछ तो खाते होंगे ये सब भी। द एनिमल्स ईट, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, अब बात करते हैं कि ये सारे एनिमल्स तो प्लांट्स खाते हैं और अदर एनिमल जो होते हैं वो क्या खाते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है, स्क्वायरल है, पिजन है, लिजार्ड है, ये सारे स्मॉल इंसेक्ट हैं। अब ये ईटिंग क्या करते हैं? ये भी फूड खाते ही होंगे। अब देखते हैं इसके बारे में, तो देख रहे थे कि ये सारे छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो भी कुछ खाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कुछ छोटे एनिमल खाते हैं वो, जैसे ग्रेन्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो वैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं हम लोग? हार्बीवोरस एनिमल कहते हैं।
अब बात करते हैं जैसे लॉयन को ले ले, टाइगर को ले ले, तो ये सब जो एनिमल होता है वो क्या करता है, आपका छोटे छोटे एनिमल्स को खा लेता है। जैसे लॉयन की बात करें तो गोट को खा जाता है, तो ये जो गोट को खा रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कार्निवोरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्निवोरस। तो यहाँ पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है बाय देयर ईटिंग हैबिट। वो क्या करते हैं, ईटिंग हैबिट के कारण क्या किया गया है, उन्हें कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी है वो हार्मीबोरस है, दूसरा आपका कार्निवोरस है, और तीसरा ओमनीबोरस है। तो हार्मीबोरस की बात कर ले तो हार्मीबोरस क्या होता है, दोज एनिमल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट दैट इज नोन एज हार्मीबोरस। आगे बात करते हैं कार्निवोरस, दोज एनिमल हु ईट फ्लेश ऑफ द एनिमल अदर एनिमल इज नोन एज कार्निवोरस। एंड ओमनीवोरस द एनिमल दैट ईट प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, दैट मीन द प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल इज ऑल नोन एज द कार्निवोरस। तो ये हमारा था पहला चैप्टर ऑफ क्लास 6। आगे देखते रहिए, और आगे मैं आपको अगले चैप्टर के साथ मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आपके पास कुछ वर्क है करने के लिए, आप इसे, यहाँ पे समरी है, समरी को आप देख ले थोड़ा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसे आप घर में बैठ के करें, और नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए हमें, मैं आपको हेल्प करूँगा बनाने में, ताकि आपका पढ़ाई कंटिन्यू चलता रहे, चाहे लॉकडाउन चले या कुछ भी, आपका यहाँ से मैं हेल्प करते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। फर्स्ट स्टेप इज केयर।